देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। अगर आपको इसी तरह की सब्जी बनानी है तो आइए चलिए बनाते हैं और गार्निश कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मटर पनीर बनाने के लिए पनीर 100 ग्राम, आधी कटोरी मटर, एक प्याज को मैंने तड़का के लिए काट लिया है, एक प्याज को पीस लिया है, ये लहसुन अदरक मिर्चा को पीस के पेस्ट बना लिए और एक टमाटर। चलिए बनाते हैं। गैस पर कुकर चढ़ा दिए, अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेज पत्ता डाल देंगे 2। जीरा डाल देंगे। तो इसमें हम प्याज डालेंगे। टमाटर डाल देंगे 1 टमाटर। प्याज का पेस्ट बनाया था मैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मसाला डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे,
इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब बीच में खोल के चला लेंगे। अब ढक्कन हटा के देखेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब हम देखेंगे मसाला पक गया। मसाला करी करी भुन गया है, अपना कलर छोड़ दिया है, तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद थोड़ा देर के बाद पानी डाल देंगे। अगर आपको रसा ज़्यादा लगाना है तो उस हिसाब से डालिए, कम लगाना है तो कम के हिसाब से डालिए। हम यहाँ अभी कटीजी से कम डालेंगे पानी। तो अभी पकेगा मसाला भी और मटर भी। अब इसको हम 1 सीटी लगा देंगे, क्योंकि आजकल मटर थोड़े कड़े होते हैं, और सीटी लगा देंगे तो मटर पक जाएगा। उसके बाद हम पनीर डालेंगे, तो सीटी लगा देते हैं। कुकर खोल कर देखेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर छोड़ा है, कितना अच्छा सब्जी बन गई। अब इसमें हम क्या खुशबू आ रही है, अब इसमें हम पनीर डालेंगे। टुकड़े में काट लिया था छोटे छोटे, आप जैसे भी मन हो वैसे काट लीजिए। अब इसमें हम पनीर को अच्छी तरीके से दो सीटी में हमने उतार लिया था सब्जी, और मटर इसलिए पका लेते क्योंकि कड़ा रहता है, इसको पहले इसलिए 2 सीटी लगा के पका लेते और फिर हम इसको पनीर जो है बाद में डालते हैं, कारण यही है। बाकी आपका सब्जी बहुत ही अच्छा बना है। और इसको थोड़ा सा गैस खोल के 2 मिनट खाली और पका लेंगे इस तरह से, जो कि पनीर उसमें घुल जाए। अब फिर उतार लेंगे। बस 2 मिनट में आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। अब इसको हम प्लेटिंग करने चल रहे हैं। आइए प्लेटिंग कर लीजिए। मटर पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। और अब मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।